स्वागत है एक और नए ब्लॉग में भी। पिछले ब्लॉग की तरह इस वाले ब्लॉग में भी भाई हम जा रहे हैं डीजे देखने के लिए, और इस बार डीजे अलग है। पिछले बार जो हम गए थे उसमें डीजे सार्जन थे, और अभी जिसमें हम जा रहे हैं वो डीजे पंकज है। तो साउंड का एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हैं। आपको भी सुनाऊँगा कि साउंड भाई है कितना अलग डीजे सार्जन से। तो इस वाले ब्लॉग पे बने रहना। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर बाद हम डीजे के पास भाई पहुंच तो गए हैं, क्योंकि हमारे आते आते थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि जो लोकेशन पे बजना चाहिए था ना भाई, उस लोकेशन पे ये बजा नहीं। और अभी जब हम यहाँ पर पहुंच गए तो भाई इसलिए बाजा वजा बंद हो गया। जब हम आए थे तब यहाँ से भाई पूरा ज़्यादा धुआँ निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि पोल्यूशन का कारण यही डीजे है। तो अभी किसी कारण भाई बंद हो गया है, शायद से करेंट अच्छा से नहीं आ रहा होगा। बाकी बात देख सकते हो, डीजे ये रहा डीजे पंकज। यहाँ से भाई इनका एम्पलीफायर दिख रहा है, तो आप कुछ देख पा रहे होंगे सारे के सारे जाइपर के एम्पलीफायर यूज हुए हैं इस डीजे को रन करने के लिए।
अभी फ़िलहाल हम लोग चंदन क्यारी से निकल चुके हैं और हमारा निकले हुए लगभग 15-20 मिनट हो ही चुका है। तो यहाँ से हम लोगों का घर लगभग 156 किलोमीटर है। तो वही हमने तो सोचा था कि भाई डीजे का आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ गलती किया, लोकेशन चेंज किया और उन्होंने बताया भी नहीं, जिससे भाई जो लोकेशन उन्होंने बताया था ना, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग गए थे। उन्होंने मतलब हमने पूछा कि भाई डीजे तो यहाँ पर नहीं है तो कहाँ पर है, तो उन लोगों ने भी बोला कि हमें भी नहीं पता, हम भी यहाँ पर डीजे के लिए ही आए हैं। तो ये चीज़ उन्होंने गलत किया, बाकी बात सुनने का मौका मिल ही गया, अच्छा बज रहा था डीजे। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पर।